हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज 11 मई 2021 आज संभावनाएं तलाशने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आज आपको दे सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न। तो चलिए चलते हैं फटाफट स्टॉक न्यूज़ में और देखते हैं कौन से स्टॉक दे सकते हैं आज आपको अच्छी खासे मुनाफे। जैसा कि आप जानते हैं, जायडस वेलनेस ने क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट किया और जिसमें 92.6% का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया। ईयर ऑन ईयर बेस पर नेट प्रॉफिट 69.10 करोड़ का यहां पर जायडस वेलनेस ने बताया कि हमारी प्रॉफिट हुई है। तो इसकी संभावना है कि आज आपको इसमें तेजी दिखाई दे। साथ ही साथ कंपनी के सेल्स में भी ग्रोथ हुआ है, जिसमें कि कंपनी के क्वार्टर फोर में कंसोलिडेटेड सेल टोटल 600.75 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो पिछले फोर्थ क्वार्टर में 484.67 करोड़ था। इस कंपनी के कुछ फेमस ब्रांड ग्लूकोन डी, शुगर फ्री, ईवा यूथ स्क्रब, पील ऑफ फेस मास्क, एंटेनाइसिल मेंटेन किया है और लीडरशिप पोजिशन मार्केट में। दूसरी जो बहुत जरूरी खबर है वो आ रही है फार्मा सेक्टर से। कोविड सेकेंड वेव के चलते फार्मा सेक्टर टॉप पर ट्रेड हो रहा है और यहां पर यूएस ड्रग मेकर ईली लिली कंपनी ने लाइसेंस इशू किया है, वो भी रॉयल्टी फ्री, सिप्ला लुपिन एंड सन फार्मा को। तो यहां पर आपको फार्मा सेक्टर और भी ज़्यादा बूस्ट होता हुआ और अप जाता हुआ नजर आएगा। तो ये तीन ऐसे फार्मा सेक्टर हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको इस न्यूज़ के चलते और रिटर्न दे सकते हैं। थर्ड स्टॉक जो आपको दे सकता है अच्छा खासा रिटर्न वो है एंजल ब्रोकिंग। अगर इसका रिटर्न वन वीक में देखें तो 50% का रिटर्न जनरेट किया है निवेशकों के लिए। वन मंथ का रिटर्न देखें तो यहाँ पर आपको 87.23% का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि आश्चर्यजनक की बात है। पर जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। ऐसा रिटर्न देखने के पीछे का रीज़न है कि एंजल ब्रोकिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एएमसी बिजनेस लाइन में उतरने की कोशिश की है और उसे पास भी कर दिया है। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आप जैसे HDFC, एक्सिस के AMC देखते हैं, वैसे एंजल ब्रोकिंग के भी AMC देख पाएंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड में भी एक्सिस उतर रहा है, जिसके कारण इसमें तेजी बनी हुई है। तो आपको ये आज भी तेजी नज़र आ सकता है। नंबर फोर्थ स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं, आज के डेट में देश में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़ोरों से चल रहा है और BPCL का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, लेकिन कोविड सेकेंड वेव के चलते ये प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा डिले हो रहा है, जिसके कारण कि इसमें तेजी बनी हुई है और ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि गवर्नमेंट अपने पूरे स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो आपको इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है और निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़े खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।